आगरा से प्रिंस कुमार ब्यूरो चीफ आगरा। आखिर दलितों के साथ ही क्यों होते हैं अत्याचार, दलितों को क्यों झेलना पड़ता है अत्याचार, दलितों को क्यों बनाया जाता है अपनी हवस का शिकार, आखिर दलितों को समझा जाता है गरीब मजदूर बेबस। जब से देश आजाद हुआ है दलितों पर अत्याचार होते आ रहे हैं, अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या है दलितों का कसूर, दलितों को क्यों बनाया जाता है निशाना, आखिर दलितों का क्या है कसूर। ऐसा ही मामला एक जनपद आगरा ताजगंज थाना क्षेत्र डिवीजन चौकी का है। पत्रकार प्रताप सिंह आजाद के परिवार पर दीपावली दिनांक 4:11:2021 को रात्रि से 10 बजे पटाखे चलाते समय चौहान समाज लोगों ने कहा, तुम चमार हो, तुम पटाखे नहीं चला सकते। हमने कहा क्यों नहीं चला सकते। तब 30-40 लोगों ने लाठी डंडा सरिया तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी तक किसी को नहीं किया गया गिरफ्तार। एक दलित पत्रकार के घर में घुसकर उच्च जाति के दबंग लोगों ने बोला धावा। पत्रकार के घर वालों के साथ की मारपीट व जान से मारने की कोशिश। पत्रकार पुलिस से दर दर भटक रहा है, न्याय के लिए पुलिस नहीं कर रही दलित पत्रकार के साथ न्याय। आखिर दलित जाए तो जाए कहां, आखिर क्यों नहीं सुनती पुलिस दलित पत्रकारों की सुनवाई। थाने से लेकर चौकी तक पुलिस दलितों की नहीं सुनती। इधर दिवाली का त्योहार था, उधर दलित पत्रकार के घर वालों के साथ उच्च जाति के लोगों ने की घर में घुसकर मारपीट। जब जब दलित पत्रकारों के लोग घर वालों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने अनसुनी कर दिया, उल्टा उनको ही धमकाने लगे। आखिर कब तक दलितों के साथ ऐसा होता रहेगा।